जय हिंद दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती आने वाली है जिसका फॉर्म अपने नवंबर 24 तारीख से स्टार्ट है। तो इसी को लेके एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है जिस नोटिस के अकॉर्डिंग 75,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, से मेल फीमेल हर कोई अप्लाई कर पाएगा। इस नोटिस में मैं ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखना और ये नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जाके दोस्तों इस नोटिस डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हो। तो आइए चलते इस नोटिस के अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारी देता हूँ। तो ये नोटिस दोस्तों साफ साफ इस नोटिस में फर्स्ट आप देख सकते हैं इसका फॉर्म अप्लाई 24 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं आपके नवंबर 24 से, उसका लास्ट डेट दिसंबर 28 तारीख से लास्ट डेट रहेंगे और इसका पेमेंट का जो लास्ट डेट रहने वाला है वो आप देख सकते हैं 29 दिसंबर 2023 रहने वाला है। देन दोस्तों इसका एग्जाम कब होगा, फरवरी 2024 में एग्जाम होने वाला है। इसके एग्जाम के बारे में पहले ही दोस्तों एसएससी ने सब कुछ जानकारी दे दी थी। देन दोस्तों अगर हम थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई, देन पेमेंट का। पेमेंट आप सबको पता है 21,700 आपके बेसिक पेमेंट होते हैं, देन आपके लास्ट जो पेमेंट होता है 19,100 तक होते हैं। अलाउंस वगैरह सब अलग होता है, अलाउंस वगैरह मिला के अप्रोक्स 32,000 तक ट्रेनिंग में पेमेंट मिल जाता है। बात बाकी वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी दी गई है, 75,000 प्लस वैकेंसी की तो यहाँ पे जानकारी टोटल दी ही गई है लास्ट में, और मेल की जो टोटल वैकेंसी निकाली गई 67,364 टोटल मेल की वैकेंसी निकाली गई है, और फीमेल की वैकेंसी की बात करें तो 8,000 प्लस वैकेंसी फीमेल की रहने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल के लिए 67,000 प्लस और फीमेल के लिए 8,000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। टोटल अगर वैकेंसी को हम लोग मिला दें तो 75,780 वैकेंसी निकाली गई है। तो वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी है, लेकिन ये जो आपने 75,000 प्लस वैकेंसी के नोटिस ये देखा है, इससे पहले भी दोस्तों एक नोटिस आया था जो कि शॉर्ट नोटिस था, उसमें भी दोस्तों बताया गया 75,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, उसके ऊपर मैंने पर्सनली वीडियो बनाया हुआ था। नोटिस आया हुआ है इसमें जो 75,000 प्लस वैकेंसी की जानकारी दी गई है, ये भी दोस्तों उसी नोटिफिकेशन को उठा के इसमें जोड़ दिया गया, 75,000 प्लस कर दिया गया। बात बाकी देखिए नोटिस कोई भी पूरा जो नोटिस है इसमें जैसे हाइट हो गए, एज हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो नोटिस है ये फेक नोटिस है, ठीक है ना। कोई पुराना नोटिस को उठाया गया है उसमें खाली डेट चेंज कर दिया गया है, ठीक है। डेट चेंज करने के बाद उस वैकेंसी को उठा के इसमें इंक्लूड कर दी गई है और बाद बाकी आप सबके लिए पूरा एडिट कर दिया गया है। और पूरा पूरी दोस्तों इसको जब देखोगे तो आपको लगेगा पूरा ही रियल नोटिफिकेशन है, और इसी के चलते बहुत सारे बच्चों ने इस नोटिस को मुझे बहुत बार सेंड किया है। अप्रॉक्स व्हाट्सअप पे कल रात से नोटिस मेरे को बार बार मेंशन किया जा रहा है, सौरभ भैया नोटिस आ गया, नोटिस आ गया, आपने अभी तक वीडियो इसके ऊपर क्यों नहीं बनाया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बार बार ये मतलब नोटिस भेजा। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो 75,000 प्लस वैकेंसी निकाली गई है, जो आपके मेल कैंडिडेट को 67,000 प्लस वैकेंसी है और फीमेल के 8,000 प्लस वैकेंसी है, तो ये नोटिस पूरा पूरी ही फेक नोटिस है और इस नोटिस में कोई भी रियलिटी नहीं है। बाद बाकी अगर हम लोग एज इलेक्शन की बात, इसमें कहा गया एज इलेक्शन नहीं दिया गया, तो मैंने आपको दोस्तों पहले एक भर्ती के बारे में बताया था एसएसबी की भर्ती, 5,000 एज इलेक्शन दिया था। अभी आईटीबीपी की जो एक नई भर्ती निकाली गई स्पोर्ट्स कोटा की, उसमें भी एज इलेक्शन दिया गया है 5 साल का। तो आपको सुन के बहुत अचंभा होगा कि इलेक्शन अभी भी मिल रहे हैं, तो एसएससी में भी चांस है, हो सकता है। अगर इलेक्शन नहीं देना होगा तो अलग बात है, लेकिन इलेक्शन मिलने के पूरे पूरे चांस है। और बात बाकी अब ज्यादा दिन बचा नहीं हुआ है, बहुत जल्दी आपको एसएससी जीडी का नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 24 तारीख को। उसमें वैकेंसी की संख्या शायद ही 75,000 प्लस ना हो, बट दोस्तों आपके 35,000 या 25,000 प्लस तो रहेगी ही अप्रॉक्स, उससे तो कम वैकेंसी नहीं रहेगी, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। और बात बाकी इसकी नोटिफिकेशन को लेकर परेशान मत होना, ये नोटिस फेक है। ये नोटिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना, वहां पे ये नोटिस जब आप देखोगे तो आपको पूरा पूरी यकीन हो जाएगा कि नोटिस पूरा पूरी फेक है। एक्चुअली इस नोटिस को अगर हम ठीक से ध्यान से देखें तो हमें अपने पता चल जाता है कि नोटिस फेक है मेरे भाई। नोटिस जो आपका ऑफिशियल नोटिस होता है, ये नोटिस में बहुत आकाश जमीन का फर्क है। तो बात बाकी नोटिस पूरा पूरी फेक है। इस नोटिस में जो जानकारी देगी हाई चेट एजुकेशन वो ठीक ठाक है, लेकिन जो वैकेंसी की जानकारी देगी वो पूरी पूरी फेक है। और 24 तारीख अब ज्यादा टाइम बचा ही नहीं हुआ, आज 18 हो गया ना, 19-20 और ज्यादा टाइम बचा ही नहीं हुआ भाई, ले देखिए 6-7-8 दिन बचे हुए, थोड़ा सा वेट कर लो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है और उस नोटिफिकेशन आपको ये भी पता चल जाएगा कि इलेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और देन दोस्तों आप भी इस बार आप सबको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो डीमोटिवेट नहीं होना, और जो भी एसएससी जीडी कैंडिडेट है, देखिए टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, ले देखिए अब 3 महीने का टाइम बचाओ, जितने अपने आपको रगड़ोगे उतना चमकोगे। देखिए नोटिस तो आते रहेंगे, नोटिस आपको देखना है, क्योंकि कोई कोई नोटिस रियल भी होते हैं, कुछ नोटिस फेक भी होते हैं, बट ये नोटिस फेक है जिसके लिए आप कितने परेशान हो रहे हैं, मैंने कहा अपने भाई वीडियो बना के आपको सब कुछ जानकारी दे देता हूँ। बाद बाकी नोटिस मैंने पूरा इसलिए दिखाया कि बच्चों को पता चले कि हाँ इस नोटिस की जानकारी दे रहा हूँ, तब जाके उनको पता चलेगा कि हाँ ये फेक है। तो आपने पूरी मेहनत करनी है, देखिए कोई भी आपके दुख में साथ देने लगा, अगर आप इस बार एसएससी में फेल हो जाते हो ना तो फिर मौका मिलेगा 2024 में, बट जिन बच्चों का एज खत्म होगा उनको फिर मौका नहीं मिलेगा। तो भूल जाओ कि 2024 में कोई नई भर्ती आ रही है एसएससी की, अब की बार ये जो भर्ती है ये हमारी लास्ट भर्ती, और इसी भर्ती में हमारे बदन पे वर्दी चाहिए हमें, बस इस लक्ष्य को लेके इस बार एसएससी की तैयारी करनी है।
बाद बाकी दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया जाए भाड़ में, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। मतलब है हमें अपने आप से मेहनत करनी है, जी जान लगा के, और अपने आप को रगड़ देना है मेरे भाई। देखिए मैं बताऊं, अगर आज नाकामयाब हो जाओगे ना तो 100 लोग ताने मारने आ जाएंगे कि ये घटिया आदमी है, दारू पीता है, लड़की बाज करता है, 100 चीज बोलेंगे। और आज अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ ना तो जो आपके मुंह पे गाली बकता है वो आपके सामने आकर ताली बजाएगा। तो बस उस दिन के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। और SSGD का एग्जाम मुझे पता है कुछ बच्चों के लिए बहुत ही आसान होगा, कुछ बच्चों के लिए बहुत ही हार्ड होगा, जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की थी। तो तैयारी जिद से करो मेरे भाई, किसी चीज को अगर बार बार प्रैक्टिस करो ना तो उसकी आदत लग जाती है। दशरथ मांझी का अकेला आदमी पूरा पहाड़ काट सकता है 55 किलोमीटर का, तो क्या आपसे एक SSGD का एग्जाम नहीं निकलेगा? खुद से अपने आप को देखो, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 3 महीना लगन से तैयारी करो। बहुत बच्चों का मैथ वीक है, बहुत बच्चों का रीजनिंग वीक है, बहुत बच्चों का हिंदी वीक है, बहुत बच्चों का GK GS वीक है। तो मैं इन चारों सब्जेक्ट का एक पर्सनल वीडियो बनाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, बस उतना टॉपिक आप कवर कर लो इस 3 महीने के अंदर। और SSGD में आपका कंफर्म नौकरी नहीं हुआ तो भाई का नाम चेंज कर देना कि सौरभ भाई क्या इन्फॉर्मेशन देता है। मैंने अपने आप से, ठीक है ना, SSGD के एग्जाम को छोड़ दिया, अकेले SSGD का एग्जाम 3 बार क्वालिफाई किया है। जितने बार मेरा एज हुआ उतने बार मैंने SSGD एग्जाम क्वालिफाई और हाईएस्ट रैंक से क्वालिफाई किया है। बाद बाकी मेरे पास रेलवे का जनरेटर भी पड़ा हुआ है, मैं वहां ज्वाइन करने तक अभी तक नहीं गया हूं। तो बाद बाकी ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं, देखिए एक्चुअली जब आप मेहनत करते हो ना तो जनरेटर घर में पड़े होते हैं, आपको चॉइस करना पड़ता है कि आप किस में जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ। इसलिए मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना अपने लाइफ में। एक्चुअली इतने मेहनत करना, इतना रगड़ देना अपने आप को कि सिलेक्शन अपने आप आपके पास है, आपको सिलेक्शन के पास ना जाना पड़े। तो इस बार इतनी मेहनत करनी है कि SSGD की आपका पूरा पूरी सिलेक्शन हो जाए और आपके बदन पे वर्दी चढ़े, और अपने घर में अपने माँ बाप को ऐसे करके सैल्यूट करो, और दिवाली का तोहफा, छठ का तोहफा, ये सारा तोहफा उसी दिन अपने आपको मिल जाएगा। तो इस बार जान लगा देनी है। नोटिफिकेशन आते रहेंगे, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है। बाद बाकी पूरा पूरी फेक नोटिफिकेशन, 75% प्लस का जो नोटिस निकाला गया पूरा फेक नोटिफिकेशन है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है और इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। आपके भाई ने आपको वीडियो बना दिया, आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गया, अब इस नोटिस को कोई भी बनाए, यूट्यूबर कुछ भी, इसको देखने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरी फेक नोटिस है। कोई अगर रियल बोल रहे हैं ना उसको कुछ पता ही नहीं, ये नोटिस पूरा पूरी फेक है। बाद बाकी आप मेहनत करो, आपका सिलेक्शन आपके बाद डेफिनेटली होगा। SSGD की वर्दी आपको बुला रही है, आओ मेरे पास। और जब सपना पूरा होता है ना तो उसका चमक होता है वो अलग ही होता है, और जब सपना टूट जाता है तो जो उसका दुख होता है वो अलग ही होता है। अब दुख कौन समझेगा, जो कि लेबर का बेटा है, जो कि भाई कुल्ली का बेटा है, जो कि जाके रोड में सफाई कर्मचारी का काम कर रहा है, जिसके पास दो वक्त खाने को रोटी नहीं है, फिर भी वो अपने मन से, धन से और तैयारी कर रहा है। और जब वो बच्चा फेल होता है ना तो उसके साथ लाखों अरमान वो फेल हो जाते हैं, लाखों उन बच्चों के सपने फेल हो जाते हैं जो कि आपको देख के इंस्पायर होते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। गरीब के बच्चों के अंदर दम होता है कि सरकारी नौकरी ले ले, बोलते हैं कि सरकारी नौकरी उनको मिलता है जिनकी किस्मत बहुत चंगी होती है, बट वो इंस्पायर होते हैं किसको देख के, आप जैसे लोगों को देख के। जब उनका एक पड़ोस में एक बच्चा अगर सरकारी नौकरी पाता है तो उसको देख के लाखों बच्चे इंस्पायर होते हैं, और लाखों बच्चे आर्मी की तैयारी में लगते हैं, SSC की तैयारी में लगते हैं। इसीलिए सिर्फ आप नौकरी पाते, सिर्फ आप नौकरी नहीं पाते, आपके जैसे हजारों गरीब बच्चे इंस्पायर होते हैं उसे, और फ्यूचर में वो आपके जैसे वर्दी पाते हैं और आपके नीचे नौकरी करते हैं। तो बस अपने लिए नहीं तो अपने उन लाखों गरीब भाइयों के लिए इंस्पिरेशन बनना है, और एक गरीब बच्चा जिस दिन नौकरी पाता है ना उस दिन उन लाखों गरीब बच्चों का इंस्पिरेशन बनता है, और आपको अपने एरिया में इंस्पिरेशन बना। पूरे खानदान में सिर्फ एक बच्चा होता है जिसके नाम से पूरे खानदान को जाना जाता है, तो वो बच्चा आपको बनना है, बनना है, बनोगे ना वो बच्चे अपने खानदान के, जिससे जिसके नाम से पूरे खानदान को पहचाना जाएगा। तो बस आज उस दिन के लिए मेहनत करनी है, अपने गरीबी, अपने हालात, अपनी परिस्थिति को मत देखो। परिस्थिति हमेशा बदलते रहती है मेरे दोस्त, लेकिन वक्त हमेशा नहीं बदलता। इसीलिए आज परिस्थिति खराब, मुझे पता है अच्छी परिस्थिति भी आएगी, उसके लिए मेहनत करना है। और जिसको मोटिवेशन की कमी लगती है अपने लाइफ में, 12th फेल करने का मूवी देख लेना, वो बच्चा आटा चक्की में काम करके जब UPSC ऐसे एग्जाम में क्वालिफाई कर सकता है 12th फेल होने के बावजूद, तो तुमसे क्या है, SSGD एग्जाम नहीं निकलेगा? जी तोड़ मेहनत करो, रगड़ दो साला अपने आप को, बस सिलेक्शन होगा नहीं तो जाएगा काम, बस फाड़ दो आपकी बार दूध, आपको इतनी अच्छी से तैयारी करो ना सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए। जय हिंद जय भारत। और ये नोटिस पूरा पूरी फेक है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आ गई है भाई नोटिफिकेशन की डेट, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 24 तारीख से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है। उस दिन अपने आप को पूरा तैयार करके रखना है, और एग्जाम की ज्यादा टाइम बचा ही नहीं, फरवरी 20 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, रगड़ के मेहनत और कन्फर्म सिलेक्शन। जय हिंद जय भारत। लवी मेरे साहब को वो भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना अगर मेरी कोई भी बात आपके दिल में लगी हो तो। जय हिंद जय भारत। लवी मेरे साहब को वो भारत माता की जय, वंदे मातरम।